फैमिली आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही इजी और लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत से चिकन स्प्रिंग रोल ट्राई किए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि वो मेरे अंदाज में है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कप गाजरें। गाजरों को सबसे पहले तल लेंगे, क्योंकि गाजर जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसको अच्छी तरह से तलने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप बॉयल चिकन। सिंपल इसको बॉयल किया था, कुछ भी नहीं डाला था। बॉयल करके इसको कांटे की मदद से रेशे बना लिए थे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरी प्याज के पत्ते 2 कप, शिमला मिर्च 2 कप। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ ही बंद गोभी शामिल की है 2 कप और हरी मिर्चें डाली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। ये भी लंबाई में ही काटनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर ही करना है। अगर आप स्लो फ्लेम पे करेंगे तमाम वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगे। अब इन वेजिटेबल्स में चंद ही स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक। आपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। पीसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, सिरका शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और लास्ट में शामिल करेंगे सोया सॉस 3 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक स्टर फ्राई करना है। ये आप जहन में रखिएगा, बिल्कुल भी स्लो फ्लेम पे नहीं करना है, हाई फ्लेम के ऊपर ही इसे फ्राई करना है। क्योंकि वेजिटेबल्स नरम हो जाएंगी तो वह स्प्रिंग रोल का मज़ा नहीं आएगा, वह क्रिस्प नहीं आएगा। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसे ठंडा करने साइड में रख देंगे, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम रोल बनाना तैयार करेंगे। रोल को स्टिक करने के लिए सबसे पहले स्लरी तैयार की है, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून ही पानी लेकर इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो आटे की भी स्लरी तैयार कर सकते हैं। रोल की एक शीट ली है और उस पे रख दी है फिलिंग। आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट साइड पे फिलिंग नहीं रखी है, बल्कि एक कॉर्नर पे रखी है और थोड़ा लंबाई में फैलाकर। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फोल्ड कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और फिर स्लरी लगाकर इसको हम बिल्कुल पैक कर देंगे। इसी तरह से तमाम रोल तैयार कर लेंगे। इसको हम किस तरह लंबे अरसे तक फ्रीज कर सकते हैं, हम इसे तकरीबन 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आप टाइप करेंगे रमादान प्रिपरेशन फ्रोजन आइटम मिसेस जैदी तो सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। बहुत सारी चीजें फ्रीज करना बताई हैं, आप देख सकते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए सबसे पहले हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लिया है, और फिर एक एक करके तमाम रोल जब डाले लगेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है, ताकि रोल जल ना जाए। अगर ठंडे तेल में रोल को डालेंगे तो रोल गोल्डन फ्राई नहीं होंगे और तमाम रोल एकदम से तेल चूस लेंगे। इसलिए बिल्कुल एहतियात के साथ इसको फ्राई करना है। चाहे आप समोसे, रोल, कुछ भी इस तरह का फ्राई कर रहे हो तो ये थोड़ी सी बातें मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होती हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसके अलावा रमज़ान से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई हैं, पैरी बाइट, समोसे, रोल, चाट और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं, इसको एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 100% कहती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे और आप इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं कम ही इंग्रेडिएंट के साथ और कम ही टाइम के अंदर रोल रेडी हो जाते हैं। अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।